इसमें स्थिति बिल्कुल साफ है कि राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है, पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब ज्यूडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्यवाही होगी। गली टनल से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और बैरिकेड पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जस्मीन चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम ये जो गली टनल पर प्रोटेक्शन लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, उसको अब प्रदर्शनकारी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर टनल के अंदर, पूरी टनल जो नई टनल बनाई गई है उसमे पुलिसकर्मी अंदर घुसे हुए हैं, पूरी टनल पुलिसकर्मियों से भरी हुई है। लेकिन यहाँ पर जोरदार धक्का मुक्की आप जस्मीन देख रहे हैं और धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। कोशिश की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से कि किसी ना किसी तरह से इस बैरिकेड को यहां से हटाया जाए ताकि अंदर घुसा जा सके। लेकिन पुख्ता प्रबंध हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया। इससे पहले ठीक 11 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ डेली सब्जी मंडी से, वहां से लेकर यहां तक ये काफी समय प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगाया गया और धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की तरफ से चक्का जाम किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और अब कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से यही है कि इस बैरिकेड को किसी ना किसी तरह से हटाओ। ये देखिए जस्मीन, ये पाइप निकाली जा रही है, पाइप को बाहर निकाला जा रहा है और यही वो पाइप है जिसके सहारे से ये पूरा बैरिकेड रुका हुआ है। लेकिन इस पाइप को खींचा जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से बाहर की तरफ को। अगर ये पाइप फट जाती है तो फिर ये बैरिकेड टूट जाएगा पूरी तरह से और यही प्रदर्शनकारी बिल्कुल जस्मीन पाइप तोड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है और ये पाइप को निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है एक तरफ को। अब देखना होगा कि क्या इसके आगे होता है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ये अभी पहला स्टेप है जहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। तो क्या प्रदर्शनकारी इस बैरिकेड को तोड़ पाते हैं या नहीं, ये अब यहां पर पूरी तस्वीर बनी हुई है। चिंताजनक यहां पर तस्वीरें जरूर बनी हुई है जैस्मिन, और इस पाइप को खींचने की कोशिश की जा रही है बड़ी संख्या में। और ये बैरिकेड हिल रहा है जैस्मिन आप देख सकते हैं यहां पर, और ये देखिए जैस्मिन पुलिस और ये बैरिकेड टूटता हुआ, सीधी तस्वीरें पाइप निकाल दी गई है जैस्मिन, और ये पाइप पीछे धीरे धीरे बिल्कुल जस्मीन उग्र रूप अब हम कह सकते हैं। और ये बैरिकेड हिलता हुआ पहला बैरिकेड की तरफ से प्रदर्शनकारी अब अंदर घुसना शुरू हो चुके हैं जस्मीन, धीरे धीरे अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो पहला बैरिकेड है वो तोड़ दिया गया है, अंदर प्रदर्शनकारी अब घुस रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद अब दूसरा बैरिकेड है, उसके बाद फिर पुलिस के जवान है, अंदर गाड़ियों से पूरी टनल को भर दिया गया है और अब जैस्मिन अंदर तमाम प्रदर्शनकारी जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सीधे तस्वीरें न्यूज 18 के ऊपर आपको दिख रही है, किस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है उससे लग रहा है कि ये इसको भी गिराने की कोशिश जैस्मिन की जा रही है, जो दूसरा बैरिकेड है इसको गिराने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये देखिए, और ये दूसरा बैरिकेड भी जैस्मिन गिरा, ये दूसरा बैरिकेड को हिला दे तो यहाँ पर जो पहली लेयर सुरक्षा की थी वो अब हम कह सकते हैं टूट चुकी है। पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और टनल के अंदर अब प्रदर्शनकारी यहाँ पर घुस रहे हैं।
ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी अब पहुंचे दूसरे बैरिकेड की तरफ। अब आगे प्रदर्शनकारी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग थी इसकी स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं जैस्मिन, पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर टूट चुकी है। ये सेकंड लेयर थी जो पुलिस की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन ये बैरिकेडिंग भी अब यहाँ पर टूट चुकी है और जो भीड़ है वो मस्जिद की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके आगे भी बिल्कुल बिल्कुल आंदोलनकारी यहाँ बड़ी संख्या में है और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि जब अभी तक की जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट में अब कोई नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है, सिर्फ टारगेट की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़ रहे हैं। जो उद्देश्य है कि संजौली चौक पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 लगाई गई है, वही काम करते हुए प्रदर्शनकारी सीधा पहला बैरिकेड टूटा, दूसरा बैरिकेड टूटा और अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं और संजौली चौक की तरफ। अब देखना होगा कि संजौली चौक पर कितने प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां प्रशासन का क्या रुख है, क्योंकि जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स जो 1000 पुलिस के जवान है वो संजौली चौक पर और जो विवादित मस्जिद स्थल है वहां पर एकत्रित किए गए हैं। तो अब जैसे जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पर मौजूद हैं और फिर वहां पर जरूर हमें लाठी चार्ज तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रुख इस भीड़ ने इख्तियार किया है वो जरूर जरूर गर्मजोशी भरा हुआ है और तमाम प्रदर्शनकारी रुक रहे हैं अपनी अपनी बातों को लेकर प्रशासन के समक्ष। हमने देखा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ भी इस प्रोटेस्ट में नारे लगे और लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वहां पहुंचने की मस्जिद स्थल पर। और कुछ ही मीटर दूर जैस्मिन, कुछ ही मीटर दूर हम यहां पर हैं और इसके अगले मोड़ पर मस्जिद है, वो विवादित स्थल है। अब यहां पर पुलिस की क्या रणनीति रहती है, क्योंकि जरूर ये जो बैरिकेड टूटा है ये पहला बैरिकेड था जो हमने बिल्कुल 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 जैस्मिन, दरअसल ये जो बैरिकेड टूटा है ये पहला बैरिकेड था, बड़ी बहुत तगड़ी सुरक्षा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से यही थी कि गली टनल के बाहरी प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, जो कि संभव नहीं हो पाया। अब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मीटर हम कह सकते हैं दूर प्रदर्शनकारी हैं और यहाँ पर अब प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा है और बड़ी संख्या में है जैस्मिन। बड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत और जो इस प्रोटेस्ट में बात है कि लीडर कोई सामने नहीं आ रहा है कि किसकी नेतृत्व में कौन संगठन है, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जो भीड़ थी पहले 50-60 लोग गली टनल के पास इकट्ठा होते हैं